अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। हिंदुस्तान में अगर किसी मशहूर शिकारी का नाम पूछा जाए तो ज़्यादातर लोगों की जुबान पर जिम कॉर्बेट का नाम ही आएगा। संभव है कि कॉर्बेट के अलावा किसी और शिकारी का नाम या उसकी कहानी भी कई लोगों को मालूम नहीं हो। जिम कॉर्बेट सिर्फ शिकारी ही नहीं बल्कि पर्यावरणविद, फोटोग्राफर और लेखक भी थे। इसी वजह से देश के सबसे पहले नेशनल पार्क की स्थापना 8 अगस्त 1936 को होली नेशनल पार्क के तौर पर की गई थी, लेकिन 1952 में जिम कॉर्बेट के प्रति सम्मान जाहिर करते हुए इस पार्क का नाम उनके नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। आइए जानते हैं कि कॉर्बेट ने ऐसे क्या कारनामे किए थे कि नेशनल पार्क का नाम बदला गया। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejorjora.com का YouTube चैनल। महान शिकारी, पर्यावरणविद, फोटोग्राफर और लेखक जिम कॉर्बेट की जिंदगी जंगल के रहस्य और एक खूबसूरत इंसान का दस्तावेज है। हम आपको उनके बारे में जितना बताएंगे आपकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाएगी। दर्जनों खतरनाक बाघ और तेंदुओं से लोगों की जिंदगी बचाने वाले जिम ने कुछ वक्त के बाद शिकार करना छोड़ दिया और उनके संरक्षण के लिए प्रयास करने लगे। एक शिकार करने के बाद जिम को आभास हुआ कि दरअसल इंसानों की आबादी में जानवरों की दखल नहीं बल्कि जानवरों की बस्ती में इंसानों की दखल बढ़ने लगी है। ऐसे में उनके संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। ब्रिटिश आर्मी में कर्नल रहे जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट यानी कि जिम कॉर्बेट साल 1907 से 1938 के बीच करीब 19 बाघों और 14 तेंदुओं का शिकार किया था। वे जानवरों और पक्षियों को आवाज़ से उन्हें पहचान लेते थे। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि उनके जीवन से जुड़े कुछ अलग अलग पहलुओं के बारे में। 3 पीढ़ियों पहले जिम के पूर्वज आयरलैंड छोड़कर हिंदुस्तान आ बसे थे। जिम कॉर्बेट 25 जुलाई 1885 को क्रिस्टोफर कॉर्बेट के घर में जन्म लिए। 16 भाई बहनों में वह 8वें नंबर की संतान थे। 6 साल की उम्र में ही पिता की मौत हो जाने और आर्थिक संकट के कारण उन्होंने रेलवे में नौकरी शुरू कर दी। अपना घर उन्होंने नैनीताल जिले के काला ढूंगी में बनाया जो अब एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित है। उस समय संयुक्त उत्तर प्रदेश के लोग जानवरों खासकर बाघ और तेंदुओं से बहुत परेशान थे। संयुक्त उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बंट चुका है। उस वक्त जिम कॉर्बेट की गिनती सबसे अच्छे शिकारियों में होती थी। ऐसे में कुमाऊं में जब किसी भी आदमखोर की दहशत होती थी तब जिम को बुलाया जाता था। उन्होंने कुमाऊं में कई आदमखोर बाघों और तेंदुओं का शिकार किया। कॉर्बेट बाघों और अन्य जानवरों के शरीर को अपने घर ले जाकर उसकी जाँच पड़ताल करते थे। उसके बाद उनके सिर और खालों को दीवारों पर सजा देते थे। ऐसे ही एक जांच के दौरान उन्हें एक बड़ी अजीब जानकारी हाथ लगी जिसने उनकी सोच और आदत दोनों को बदल दिया। एक बार जब जिम शिकार किए बाघों की जांच कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कई बाघों के शरीर में पहले से ही 2-3 घाव मौजूद थे। जिम ने समझा कि इन्हीं घावों और जख्मों के चलते वन्य जीव आदमखोर बन जाते हैं, इसी कारण वो इंसानों पर हमला कर देते थे। ये सब देखकर जिम को एहसास हुआ कि सुरक्षा इंसानों को बाघों से नहीं बल्कि बाघों को इंसानों से चाहिए। इसी कड़ी में उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस में अपनी पहचान और सिफारिश लगाकर एक ऐसे पार्क को बनवाया जहाँ ये जीव सुरक्षित रह सके। उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। बाद में उस पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट के ऊपर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। एक किस्सा जिम कॉर्बेट के बारे में बहुत ही फेमस है। साल 1906 की बात है जब जिम कॉर्बेट की विलक्षण शिकार प्रतिभा के चर्चे दूर दूर तक हो रहे थे। उस समय उनके एक शिकारी दोस्त ने उन्हें एक शिकार के लिए प्रेरित किया क्योंकि यह शिकार लोगों के भले के लिए किया जाना था। चंपावत टाइगर नेपाल की सीमा में 200 लोगों की मौत का कारण बन चुका था और जब इसे खदेड़ दिया गया तो भारत में इस आदमखोर शेरनी ने 436 जाने ली थी। इस आदमखोर शेरनी का शिकार करने में आर्मी सहित कई शिकारी नाकाम रह चुके थे। कई चर्चाओं के बाद जिम कॉर्बेट ने मंत्रालय से संपर्क किया और बंगाल टाइगर प्रजाति की चंपावत आदमखोर शेरनी के शिकार के लिए शर्तें रखी। पहली कि उस शेरनी के शिकार पर रखा गया इनाम हटाया जाए और दूसरी सारे शिकारियों को जंगल से वापस बुलाया जाए। मंत्रालय राजी हो गया। कुछ महीनों का समय लगा जिम कॉर्बेट को उस शेरनी की निगरानी में और तब तक वह शेरनी और लोगों को शिकार बनाती रही। फिर जिम कॉर्बेट ने एक गोली मारकर उस शेरनी का शिकार कर लोगों में फैला आतंक दूर किया। ऐसे एक नहीं कई किस्से हैं। जिम कॉर्बेट के शिकार के कई किस्से किंवदंती बन चुके हैं। पवलगढ़ टाइगर की बात हो या चौग्रथ शेरनी की, कई आदमखोर बाघ बाघिनों के शिकार का श्रेय कॉर्बेट के खाते में रहा और शिकारी के रूप में उनकी कीर्ति की वजह बना।
कुछ किताबों में इस तरह के जिक्र मिलते हैं कि जिम कॉर्बेट एक या दो सहयोगियों और एक बंदूक के साथ जंगल में घुस जाते थे और आदमखोर के शिकार के लिए लंबा इंतजार करते थे। उनके कई सहयोगी और स्थानीय लोग उनके इस जोखिम के कायल हुए बगैर नहीं रह पाते थे। ये भी दिलचस्प है कि जिम कॉर्बेट अक्सर लोगों को बचाने के लिए शिकार करते थे और कोई रकम नहीं लेते थे। उन्हें सड़क से संसद तक धन्यवाद दिया जाता था। जिम कॉर्बेट शब्दों के जादूगर भी थे। उन्होंने अपने ज़िंदगी के अनुभवों को कई किताबों में साझा किया है। उनकी मुख्य किताबें हैं मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊ, माई इंडिया, जंगल लोर, जिम कॉर्बेट्स इंडिया और माई कुमाऊ। उनकी किताब जंगल लोर को ऑटोबायोग्राफी माना जाता है। वो बच्चों के लिए भी एक तरह की क्लासें चलाते थे जहां उन्हें अपनी नेचुरल हेरिटेज को बचाने और उसके संरक्षण की बातें सिखाते थे। जिम कॉर्बेट अपनी बहन मैगी कॉर्बेट के साथ गर्नी हाउस में रहते थे, जिसे उन्होंने साल 1947 में केन्या जाते वक्त कलावती वर्मा को बेच दिया था, जिसे बाद में कॉर्बेट म्यूजियम के रूप में स्थापित किया गया। एक किस्सा है महारानी एलिजाबेथ को जिम कॉर्बेट का ट्री हाउस देखने का। उनके ट्री हाउस में एक बार ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भी घूमने आई थी। ये बात है साल 1952 की, जिस साल किंग जॉर्ज छह की मौत हुई थी। उनके योगदान के लिए उन्हें साल 1928 में कैसर ए हिंद मेडल से सम्मानित किया गया। उनके जीवन पर ढेरों फिल्में बनी। उनके पीछे उनकी किताबें, उनकी यादें, उनकी बंदूक, उनका ट्री हाउस, उनके नाम पर बना टाइगर रिजर्व बाकी रह गया। जिम कॉर्बेट की मौत 19 अप्रैल 1955 को केन्या की नैरी नदी के पास हुआ और वहीं पर बने सेंट पीटर चर्च में लॉर्ड बेडेन पॉवेल की कब्र के पास उन्हें सुपुर्द ए खाक किया गया। जिम कॉर्बेट का देश प्रेम यानी कि भारत के प्रति उनका लगाव भी बहुत जगजाहिर था। उनके भी किस्से हैं। मार्टिन बूथ ने उनकी आत्मकथा कारपेट साहिब अ लाइफ ऑफ जिम कॉर्बेट में लिखा कि जिम केन्या जाकर भी अपना देश नहीं भुला सके। दरअसल उनके नौकर राम सिंह व अन्य ग्रामीण जिम कॉर्बेट को कारपेट साहब कहकर बुलाते थे। जिम ने नैनीताल बैंक में अपना खाता बंद नहीं किया। आखिरी वक्त में केन्या जाते समय वह बैंक को लिख कर दे गए कि उनके नौकर राम सिंह को उनके खाते से हर महीने 10 रुपये दे दिए जाए। जिम के अपनी आखिरी सांस लेने तक राम सिंह को यह 10 रुपये की इमदाद मिलती रही। गढ़वाल के राम सिंह ने उनकी ज़िंदगी भर सेवा की थी। काला ढोंगी का एक प्लॉट भी जिम कॉर्बेट ने राम सिंह के नाम किया था, जिसे जिम के जाने के बाद राम सिंह ने बेच दिया और गढ़वाल के अपने गाँव वापस लौट गया। बम्बई से केन्या के लिए SS अर्नोडा के जहाज़ में अपना सफ़र शुरू करने से पहले जिम जब अपने घर से निकलने लगे तो बाहर खड़े ग्रामीणों ने नम आँखों से अपने कॉर्बेट साहब को विदाई दी। वहीं लखनऊ के रेलवे स्टेशन तक साथ छोड़ने गए राम सिंह को उन्होंने ट्रेन चलने के पहले ही गला लगा लिया। राम सिंह फफक कर रो पड़े। तो ये थी जिम कॉर्बेट की ज़िंदगी की पूरी कहानी, उनका देश प्रेम और जानवरों के प्रति उनका लगाव। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप में से किसी ने भी अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दौरा किया है तो अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।